हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका इंडिया टूर की तरफ से। आज हम लोग बोधगया से राजगीर की तरफ जा रहे हैं बस से। गया से बस छूट रहा है तो हम लोग वहाँ पे जाके आज हम आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पे क्या क्या खूबसूरत जगह हैं। टिल देन बाय बाय। सुहाना सफर और मौसम हसी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए राजगीर हम लोग एंटर कर चुके हैं। बहुत सारे हिल्स आपको देखने में ही आप मिलेंगे। कुछ ही देर में हम लोग अपने होटल में पहुंच जाएंगे। होटल तृप्ति बहुत ही अच्छा होटल है मैंने सुना है। देखिए तो जैसा जैसा होता है मैं आपको बताती जाऊंगी। सुना है होटल बहुत ही अच्छा है। गो आई बी वो या फिर मेक माई ट्रिप में नहीं मिला था, मुझे एक ब्लॉग से ही मिला था। चल धन्नो, हमको घुमाने के लिए ले चल। हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये जो तांगा हम लोगों को मिला है, ये तांगा हम लोगों को साइट सीइंग में घुमाने के लिए ले जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो करना ही पड़ेगा। तो 850 में ये राज़ी हुआ है जाने के लिए। तो ये हम लोगों को कुछ जो यहाँ के साइट सीइंग है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पर घुमाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राजगीर में ये हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट है। ये जय प्रकाश उद्यान है। इसको आप बेसिकली पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है इसका। पीछे पहाड़ भी है जहाँ पर विश्व शांति स्थित है। रोपवे भी वहाँ पे है। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। पहले जब मैं यहाँ आई थी, यहाँ पे नहीं आई थी, तो आई जस्ट लव दिस गार्डन। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मनियार मठ। राजगीर का सेकेंड टूरिस्ट स्पॉट है। इसको बनवा मठ कहा जाता है, जो कि क्वीन चलन्ना एंड शिलभद्रा का निर्माण कूप कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे शिव का मूर्ति और कहा जाता है कि नागास का जो मूर्ति यहाँ पे मिला था, इट्स मोर ऑन दिस 320 टू
550 AD, और इसको नागा शालीवज्र के मेमोरी में भी बिल्ड किया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ का रत्नागिरी पर्वत के ठीक ऊपर ही है विश्व शांति स्थल, जहाँ पे गोल्डन स्टैचूज बना हुआ है लॉर्ड बुद्धा का। ये लॉर्ड बुद्धा का एक फेवरेट रेस्टिंग प्लेस था, जहाँ पर वो प्रीच करते थे अपने डिसाइपल्स को, और यहाँ पे रोप वे से जाना पड़ता है। काफ़ी एक्साइटिंग है, चलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये रोप वे में जाने के लिए रास्ता है। 80 रुपीज अप एंड डाउन चार्जेस लगता है जाने के लिए। यहीं से जाना पड़ता है रत्नागिरी पर्वत के ऊपर। इट्स लवली। मैं अभी रोप वे पे बैठी हुई हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी पीछे पीछे हैं, मेरे सामने मेरे फादर इन लॉ बैठे हैं। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। अभी हम लोग जा रहे हैं विश्व शांति स्तूप के लिए, जो रत्नागिरी पर्वत के ठीक ऊपर है। फ्रेंड्स देखिए, ये है रत्नागिरी पर्वत के ऊपर सिचुएटेड बुद्धा स्तूप, जो कि विश्व शांति स्तूप है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से नीचे का, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हैं टूर पे, एक्सकर्शंस पे। ये है मेन मंदिर यहाँ का, जहाँ पे गोल्डन बुद्धा है। पर यहाँ पे आपको कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, दूर से आप देख लीजिए और प्लीज़ यहाँ पे विजिट करके देखिए। वाओ, लवली नज़ारा, कितना अच्छा है, दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होने की वजह से भी आपका माइंड एंड सोल बहुत ही पीसफुल रहता है। और यहाँ का जो पहाड़ी नज़ारा है, आसपास का नेचर, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये विश्व हिंदू स्तूप का जो स्तूप है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसके आसपास। यहाँ पे बुद्धा का जो लाइफ साइकिल है, बोधिसत्व होने से निर्वाण तक सब कुछ यहाँ पे गोल्डन स्टैचू करके दिखाया गया है। लास्ट जो है वो ब्रह्म कुंड है, यहाँ पे सबको मिलता है। यहाँ पे जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट सफर जो है ये जर्नलिस्ट का है। यहाँ का एक लार्ज बुद्धा स्टैचू यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर एक टेम्पल भी है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। आज के लिए यही तक, हम लोग लौट रहे हैं अपने होटल में। कल फिर हम लोग निकलेंगे नालंदा और पावापुरी के तरफ। फिलहाल हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।